आज के इस वीडियो में हम 15 फरवरी से 21 फरवरी तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। फ्रेंड्स, यह साप्ताहिक करंट अफेयर्स आपका सप्ताह में रिवीजन के लिए बनाया जाता है, इसलिए इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव रंजन। तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव राजीव रंजन बने हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक ईंधन है जिसका उपयोग पेट्रोल, डीजल ईंधन की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के स्थान पर किया जाता है। सीएनजी प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके बनाया जाता है जो मुख्य रूप से मीथेन से बना होता है। सीएनजी का उपयोग पारंपरिक पेट्रोल आंतरिक दहन इंजन में ऑटोमोबाइल में किया जाता है। सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है। सीएनजी ट्रैक्टर से 80% वायु प्रदूषण कम होता है। वही नए उत्सर्जन मानक के तहत उनको चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और 15 साल तक किसान ऐसे ट्रैक्टरों को चला सकेंगे। भारत में पहली बार करंट अफेयर्स रिवीजन देख लीजिए। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में बनाया गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला गया है। भारत का पहला मोस गार्डन उत्तराखंड में है। भारत का पहला कवक पार्क पिथौरागढ़ में स्थित है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरपी गुप्ता। रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद एजुल ओराम ने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी बुक लॉन्च की है जो आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता के बारे में जागरूकता पैदा करने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक आरपी गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटनी वुल्फ हार्ट दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई है, यह किस देश की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। वाइटनी वुल्फ हार्ट दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई है, यह अमेरिका देश की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑनलाइन डेटिंग ऐप बम्बल की संस्थापक और सीईओ वाइटनी वुल्फ हार्ट अपने दम पर अरबपति बनने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला बन गई हैं। इस तरह वाइटनी वुल्फ हार्ट ने विश्व में मात्र 31 साल की सबसे कम उम्र में ही महिला अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है। यूएसए अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पेटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की सांसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। विश्व में पहली महिला उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रैन फिंक है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला कोरोलिन मिल्कस है। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तबेई है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेश्कोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी साहित्य के क्षेत्र में बिंद्रा कर्दीकर
लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रंगनाथ पठारे। मराठी साहित्य के क्षेत्र में बिंदा कर्दीकर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से रंगनाथ पठारे को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 11 फरवरी 2021 को मराठी लेखक रंगनाथ पठारे को बिंदा कर्दीकर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने मराठी साहित्य विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। टॉप 5 पुरस्कार, माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से निखिल श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से मनीष सिसोदिया को सम्मानित किया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से रॉबर्ट इरविन को सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से राजेंद्र कुमार भंडारी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सतीश्वर बालकृष्णन। एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश्वर बालकृष्णन बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना जुलाई 2008 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, इसके एमडी एंड सीईओ सतीश्वर बालकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 फरवरी को किसकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और 13 फरवरी 2021 को सरोजिनी नायडू की 142वीं जयंती मनाई गई है। सरोजिनी नायडू अपनी कविताओं के कारण इनकोटिल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के उपनाम से प्रसिद्ध थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर निर्माता कंपनी सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राणा दग्गू बत्ती। टायर निर्माता कंपनी सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर राणा दग्गू बत्ती बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, राणा दग्गू बत्ती भारतीय अभिनेता हैं। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर, आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन बने हैं। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा अडवाणी बने हैं। गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर जॉन एब्राहम बने हैं। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियम लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2 मार्च से 4 मार्च तक ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने औद्योगिक साझेदारी के रूप में फिक्की और ज्ञान साझेदारी के रूप में EY कंपनी के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा मोटर्स के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मार्क लिस्टोसेला। टाटा मोटर्स के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क लिस्टोसेला बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में जानकारी, यह भारत की ऑटोमोटिव निर्माता कंपनी है। टाटा मोटर्स लिमिटेड की स्थापना 1945 में हुई थी। टाटा मोटर्स लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। टाटा मोटर्स लिमिटेड के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन हैं, इसके MD एंड CEO मार्क लिस्टोसेला हैं। टॉप 5 कंपनी के MD एंड CEO के नाम, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के MD एंड CEO अक्षय कुमार सिंह बने हैं। टाटा पावर के MD एंड CEO
प्रोविंस ना बने हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ जीवी नगेश्वरा राम बने हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी एंड सीईओ संजीव श्रीनिवासन बने हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ पवन गोयका बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियो मनोरंजन सूचना तथा संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और यह सूचना के माध्यम के रूप को लोगों को सशक्तिकरण का कार्य भी करता है। यूनेस्को ने 2011 में 36वीं महासभा में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। इसी दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो ने पहला कॉल साइन ट्रांसमिट किया था और पहली बार विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2012 में मनाया गया था और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मनोरंजन सूचना तथा संचार माध्यम के रूप को महत्व को रेखांकित करना है। विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण और जल स्तर बढ़ाने के लिए जलाभिषेक अभियान की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जल संरक्षण और जल स्तर बढ़ाने के लिए जलाभिषेक अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाढ़ से नुकसान के पूर्वानुमान के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूके स्पेस एजेंसी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाढ़ से नुकसान के पूर्वानुमान के लिए यूके स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाढ़ से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर पूर्व सूचना सिस्टम बनाएगी। इसके तहत सैटेलाइट से जमीन की निगरानी से बाढ़ आने से पहले कार्रवाई कर सुनिश्चित किया जाएगा कि जानमाल का नुकसान ना हो। नेशनल स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम के तहत बाढ़ पूर्व सूचना प्रणाली यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी। यूके स्पेस एजेंसी के बारे में जानकारी, यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्वीडन यूनाइटेड किंगडम में है। इसके अध्यक्ष ग्राम टर्नोक हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू शीतकालीन और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। बुअर झील भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। टॉप 5 स्पेस एजेंसी के नाम, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। स्पेसएक्स अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। रोसकोसमोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। कारी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी SY कुरैशी। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक SY कुरैशी ने लिखी है। टॉप 5 बुक्स एंड उनके ऑथर, योर बेस्ट डे इन टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मिसेस पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। ओ मिजोरम पुस्तक PS श्रीधर पिल्लई ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एंड इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश में धार जिले में ऐतिहासिक शहर मांडू में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करने के लिए स्थानीय हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस उत्सव की थीम है खोजने में खो जाओ।
मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सवारी लॉन्च की गई है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अभियुक्त चुना गया है, ये किस देश के हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अभियुक्त चुना गया है, ये ब्रिटेन देश से हैं। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म ICC। इसके सदस्य देश 123। इसका मुख्यालय हेंग नीदरलैंड में। इसके अध्यक्ष चील इमियो ओ सूजी हैं। ब्रिटेन देश के बारे में जानकारी। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पी वेंकट संजय कुमार। मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, मणिपुर राज्य के बारे में जानकारी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन विरेन से हैं। मणिपुर के गवर्नर नजमा है एम्थुल। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार। मणिपुर के पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर लोकतटे झील मणिपुर में स्थित है। कायबुल लामाजुआ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है। टॉप 5 मुख्य न्यायाधीश, ओडिशा राज्य के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी है। बिहार राज्य के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को भारतीय सेना को सौंपा गया है, इस टैंक का निर्माण किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, DRDO। युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को भारतीय सेना को सौंपा गया है, इस टैंक का निर्माण DRDO ने किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुए एक कार्यक्रम में 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक सेना को सौंप दिए हैं। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवरे ने इन टैंकों को स्वीकार किया। ये टैंक पूरी तरह स्वदेशी हैं और इन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। इन्हें बनाने में कुल 8,400 करोड़ रुपए की लागत आई है। DRDO के बारे में जानकारी। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना 1958 को हुई थी। DRDO के मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजय माथुर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर है। टॉप 5 संगठनों के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र UN के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष गाय राइडर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस एडहनॉम है। विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष पवन सुखदेव है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अध्यक्ष हेनरिटा फॉर है। DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने देश में मैपिंग और स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैप माई इंडिया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने देश में मैपिंग और स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मैप माई इंडिया के साथ देश में मैपिंग और लोकलेशन सर्विस डेवलप्ड करने के लिए साझेदारी की है। इसरो और मैप माई इंडिया की साझेदारी वाली इस पहल से देश को गूगल मैप का अल्टरनेटिव मिल सकता है। फिलहाल देश में मैपिंग सर्विस में गूगल मैप्स का एकाधिकार है। इस नई साझेदारी के तहत मैप माई इंडिया के डिजिटल मैप और इसरो के सैटेलाइट इमीजिएटली और अर्थ ऑब्जर्वेशन के कैटेगलॉग वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो के बारे में जानकारी, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसरो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। इसरो के अध्यक्ष के सिवान है, पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। मैप माई इंडिया के बारे में जानकारी, भारत की टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डिजिटल मैप बनाती है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। मैप माई इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मैप माई इंडिया के CMD राकेश वर्मा है। मैप माई इंडिया के CEO रोहन वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियो द्रांगी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इटली। मारियो द्रांगी इटली देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इटली देश के बारे में जानकारी, इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की करेंसी यूरो है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रांगी हैं। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोरेला हैं। टॉप 5 प्रधानमंत्री, ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री हिचेम मिजीची हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन क्रिस्टोक्स हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री ली सियंग लोंग हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड क्रिकेट का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोजर ट्वेज। न्यूजीलैंड क्रिकेट का नया निर्देशक रोजर ट्वेज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 साल के इतिहास में पहली बार में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने यूआर राव सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। 50 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है, और ऐसा पहली बार होगा जब निजी कंपनियां या कॉलेज के लोग यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में अपने सैटेलाइट का परीक्षण कर पाएंगे। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय स्टार्टअप्स के 2 सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सल का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के यूआर राव सैटेलाइट केंद्र में परीक्षण हुआ है। इसरो के बारे में जानकारी, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं, पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज में तीसरे और आखिरी मैच में जीत हासिल कर ली है और लाहौर के कजफी स्टेडियम में खेलेगा। इस मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत हासिल कर ली है और इसके साथ ही पाकिस्तान 100 T20 इंटरनेशनल जीतने वाली पहली टीम बन गई है। ICC के बारे में जानकारी, ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। ICC का मुख्यालय दुबई में स्थित है। ICC के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। ICC के CEO मनु सहानी हैं।
पाकिस्तान के बारे में जानकारी। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्लवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आगामी 20 फरवरी से 26वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है और इसका औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 फरवरी को करेंगे, जबकि पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। दिल्ली के बारे में जानकारी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव यह सांस्कृतिक और पर्यटन का मंत्रालय का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार 2015 से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 7 क्षेत्रीय संस्कृत केंद्रों की सक्रिय भागीदारी के दर्जा दी जाती है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पैलेस में इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में किया गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन, लोकसभा की सीट 42, विधानसभा की सीट 294, राज्यसभा की सीट 16 है। 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सतत उत्पादन प्रणाली विकसित करना है, जो छत्तीसगढ़ के दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन के दौर के उत्पादन का अभ्यास करने की अनुमति देता है। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानकारी, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 26वां राज्य बन गया था। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर और नयापुरा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। राजकीय पशु जंगली भैंसा है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की लोकसभा की सीट 11, विधानसभा की सीट और राज्यसभा की सीट 5 है। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रश्मि सावंत। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला रश्मि सावंत बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक की रश्मि सावंत ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेहार जंबूसारिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नेहार जंबूसारिया बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 में हुई थी। ICAI इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष नेहार जंबूसारिया हैं। टॉप 5 कंपनियों के अध्यक्ष,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं भेल, इसके अध्यक्ष नलिन सिंगल हैं, इंफोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलकर्णी हैं, महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा हैं, विप्रो के अध्यक्ष राशि प्रेमचंद प्रेम जी हैं, इंटेल के अध्यक्ष उमर इशाराक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोवर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया के सबसे महंगे व शानदार पुर्तगाल के फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया पर 500 मिलियन फॉलोवर्स का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व में पहली बार नॉर्वे विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल फर्स्ट एनर्जी पॉजिटिव होटल खोला गया है। फ्रांस देश की स्टेफनी प्रॉपर्टी प्रोस्ट के चैंपियन लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है। यूएई देश कोयला से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। कायरन पोलार्ड 500 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आईजीआई एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एक्सक्यूज पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीटर मुखर्जी। स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एक्सक्यूटिव पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक पीटर मुखर्जी ने लिखी है। अन्य बुक और उसके ऑथर, जंगल नाम पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है, माय लाइफ माय मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है, माय इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेतकर ने लिखा है, आ प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप को केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेघना पंत। द ट्रिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक मेघना पंत ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, रेनी वेंशन पुस्तक को नताशा मालपानी ओसवाल ने लिखा है, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट पुस्तक को दलाई लामा ने लिखा है, द इंडिया वे स्ट्रेटजी ऑफ वॉर एंड अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा है, क्राइंग फॉर लाइफ द शिल्पा छिपा स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक को तुलसी वात्सल्य ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत तो रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग से जुड़ी कुशलता की ट्रेनिंग देना है जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत युवाओं को उनके उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं, गुजरात का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात राज्य के पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात के समुद्र तट पर सबसे लंबी लाइन रेखा है, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम, गुजरात का लोक नृत्य डांडिया भवाई तिपटी और पत्थर और गरबा है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी, दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द
बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक। ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास है। वर्ल्ड बैंक के MD एंड CEO अंशुला कांत है। टॉप इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। जर्मन बॉज द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिया देश शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्मृति ईरानी। वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, जूट यह एक प्राकृतिक फाइबर है। जूट से सस्ता फाइबर है जो पौधे के तने की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है और भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से जुड़ी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को शुरू किया है। वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच एक समझौते ज्ञापन के बाद लॉन्च किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जूट के बीज का अत्यधिक उत्पादन करना, जूट के व्यवसाय को बढ़ावा देना और जूट किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 दिवसीय टिहरी झील महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 16 फरवरी से 17 फरवरी 2021 तक मनाया जाएगा। टिहरी झील महोत्सव को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। अब हर साल बसंत पंचमी पर टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के बारे में जानकारी, उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून और गैंडसोन है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। उत्तराखंड के राज्य पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। इसके पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, टोडीताल झील, भीमताल झील इत्यादि है। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो भागीरथ नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। टॉप राज्यों के त्योहार, सिक्किम का प्रमुख त्योहार लोमांग है। बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल है। महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार गुड़ी पड़वा है। नागालैंड का प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से कितनी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से 4 महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 के बारे में जानकारी। SERB इसका फुल फॉर्म साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड होता है। यह पुरस्कार विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों को बुनियादी अनुसंधान समर्थन करने के लिए 2013 से महिलाओं को SERB द्वारा प्रदान किया जाता है। टॉप 5 महिला वैज्ञानिकों के नाम, डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी, डॉक्टर ऋतु गुप्ता। टॉप 5 पुरस्कार, रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से धनुष को सम्मानित किया गया है।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से डॉक्टर अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट मेधन पुरस्कार 2020 से श्वेता झा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को दोपहर के भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस योजना के तहत 5 रुपए में गरीब को दोपहर में भरपेट भोजन दिया जाए ताकि गरीब से गरीब लोग भी भरपेट भोजन खा सके और कोई भी भूखा ना रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माँ की रसोई योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2021 को वर्चुअल रूप से किया। पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन, पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाती है या पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कलकत्ता गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टॉप 5 योजना, राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्ति योजना को शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों 16 अंक का यूनिक कोड देने की योजना को शुरू किया है। देश की सभी चिकित्सा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका केरल राज्य में स्थापित की गई है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन करेंगे और यह भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है और इस टर्मिनल को स्थापित करने का उद्देश्य पर्यावरण को बढ़ावा देना और इस टर्मिनल की कुल लागत 25.72 करोड़ रुपए है। केरल राज्य के बारे में जानकारी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार है। केरल के राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है। केरल राज्य के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। भारत में पहली बार दुनिया का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर में बनाया गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलांग मेघालय में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्क्रैमी पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर निर्माण कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब किंग्स। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, IPL के बारे में जानकारी, IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE देश में खेला गया था। IPL 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही थी। IPL 2020 के KL राहुल को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन के लिए सम्मानित किया गया है। IPL 2020 में कागिसो रवाड़ा को पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया है। टॉप 5 बदले गए नाम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। असम के बोगलीबुल पुल का नाम बदलकर अटल सेतु हो गया है। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप हो गया है। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप हो गया है।
रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से जाट रेजिमेंटल और दिल्ली पुलिस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में बसंत उत्सव पहला फागुन मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में बसंत उत्सव पहला फागुन मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्योहार है और इस दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। यह उत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल में काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। बांग्लादेश के ढाका में पहला फागुन नामक बसंत का पहला दिन मनाया गया। बांग्लादेश के बारे में जानकारी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टाका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जिसकी लंबाई 4696 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टॉप 5 त्योहार राज्यों के रथ यात्रा उत्सव उड़ीसा का त्योहार है, हाथी उत्सव राजस्थान का त्योहार है, कराची पूजा त्रिपुरा का त्योहार है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का त्योहार है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंपोनेंट्स यूनिट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की इस परियोजना पर 4684 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह मोबाइल फोन के मैकेनिक एक्सप्लोरर के निर्माण के लिए कृष्णगिरी में स्थापित किया जाएगा। टाटा ग्रुप के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1868 में हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। टाटा ग्रुप के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन है। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा है। तमिलनाडु राज्य के बारे में जानकारी, तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के पालनी स्वामी, तमिलनाडु राज्य के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु राज्य के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी बोर्डो के निवासियों की समस्या के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए ई छावनी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। छावनी बोर्डो के निवासियों की समस्या के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए ई छावनी पोर्टल को राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पोर्टल के लॉन्च होने के साथ छावनी क्षेत्र के निवासी अब नागरिक समस्या के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। यह पोर्टल घर के नागरिक मुद्दों के बारे में शिकायत कॉल करने के लिए भी मदद करेगा। टॉप 5 पोर्टल, अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। वी मुरलीधरन ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। खिलौने के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाइकथॉन 2021 पोर्टल को रमेश पोखरियाल निशांक ने और स्मृति रानी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रोरल फोटो पहचान पत्र को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील की आधारशिला किस राज्य में रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील की आधारशिला उत्तर प्रदेश राज्य में रखी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट 80, विधानसभा की सीट 404, राज्यसभा की सीट 3 है।
उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हरियाणा के आदिवादरी में किया गया है। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय आधारित राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, त्रिनिदाद और टोबैगो के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर बोपोलो द्वारा किया गया है। हरियाणा राज्य के बारे में जानकारी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, हरियाणा के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के लोक नृत्य फाग नृत्य, साग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस थियोडोर बास्करन। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 एस थियोडोर बास्करन ने जीता है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, तमिलनाडु के एस थियोडोर बास्करन जो कि एक लेखक इतिहासकार हैं, इन्होंने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। एस थियोडोर बास्करन को वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण और अंग्रेजी और तमिल में पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखने के लिए सेंचुरी लाइफ टाइम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। टॉप पुरस्कार, करंट अफेयर्स का रिवीजन देख लीजिए। सी रंगराजन को 2020 में पीसी महालोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवीन पटनायक को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। मारी के लुकास को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अमर्त्य सेन को जर्मनी बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIMO नामक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को किस IIT के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास। PIMO नामक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को IIT मद्रास के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, पाई बीम जो IIT मद्रास द्वारा इंक्यूबेट स्टार्टअप है, ने हाल ही में PIMO नामक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है। PIMO यह इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर स्मार्टफोन से तेज चार्ज हो सकता है। इस टिकाऊ और सस्ती बाइक की रेंज 50 किलोमीटर है। इस बाइक को व्यक्तिगत और वाणिज्य जरूरतों के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रीति सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नए अध्यक्ष प्रीति सिन्हा बने हैं। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और यह जूडिथ कॉर्ल की जगह लेंगे। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के बारे में जानकारी, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। यह संगठन देशों की उनकी अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजीगत सहायता के मौजूदा स्रोतों को अनुदान और ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की स्थापना 1966 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के अध्यक्ष प्रीति सिन्हा है। UNO महत्वपूर्ण प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवी ली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 2021 में महासचिव एंटीनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम
भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। टॉप पांच संगठन के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष गाय राइकार्डर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष टेड्रोस हैंड रिनॉम हैं। विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष पवन सुखदेव हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अध्यक्ष हेनरिटा फॉर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 74वां। 16 जनवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिल्ली पुलिस इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। 1948 में दिल्ली में पहला पुलिस महानिरीक्षण DW मेहरा को नियुक्त किया गया और उनकी नियुक्ति 16 फरवरी को की गई थी, इसलिए 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय दिल्ली पुलिस का कनॉट पैलेस नई दिल्ली में स्थित है। इसका मोटो शांति सेवा न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें वर्ल्ड प्रोटोकॉल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एनर्जी एवं एनवायरनमेंट फाउंडेशन। 11वें वर्ल्ड प्रोटोकॉल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन एनर्जी एवं एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे से थंगजाम धबाली से को सम्मानित किया गया है, यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे से थंगजाम धबाली को सम्मानित किया गया है, यह जापान देश का सर्वोच्च सम्मान है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, मणिपुर के चिकित्सक और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक थंगजाम धबाली से को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार भारत में जापान की बेहतरीन समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा करने के लिए दिया गया है। जापान के बारे में जानकारी, जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की करेंसी जापानी येन है। जापान के प्रधानमंत्री योशी हिदे सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने होस्पी केस बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ICICI लोम्बार्ड। फ्लिपकार्ट ने होस्पी केस बीमा शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, होस्पी केस यह बीमा उत्पादक उपभोक्ता को अस्पताल में भर्ती होने के हर दिन का भुगतान करने में सक्षम बनाएगा और साथ ही निर्धारित दैनिक राशि उपभोक्ताओं को आकस्मिक चिकित्सा या आपातकालीन खर्चों के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए हॉस्पी केस बीमा शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। ICICI लोम्बार्ड के बारे में जानकारी, यह भारत की बीमा कंपनी है। ICICI लोम्बार्ड की स्थापना 2001 में हुई थी। ICICI लोम्बार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ICICI लोम्बार्ड के MD भगवर दास गुप्ता हैं, भार्गव दास गुप्ता हैं। फ्लिपकार्ट के बारे में जानकारी, फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक सचिन बंसल और बिनी बंसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछौत त्योहार को कहाँ पर मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। कछौत त्योहार को जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू है तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। बूअर झील भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है।
जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड, जश्न, डमहल, कुंद, बच्चा, नगमा इत्यादि हैं। टॉप राज्यों में मनाए गए उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। COP26 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष और ब्रिटेन के सांसद आलोक शर्मा ने 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग पर चर्चा की। COP26 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ग्लासगो में नवंबर 2021 में ब्रिटेन करेगा। ब्रिटेन के बारे में जानकारी। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया है। अब यह अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईरान और रूस। संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया है। यह दो दिवसीय नौसेना अभ्यास हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित किया जाएगा। टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और यूके की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है। अजय वॉरियर्स युद्धाभ्यास भारत और यूके के बीच आयोजित हुआ है। सहयोग कैनेज युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ है। नसीम अल वहा युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजय मल्होत्रा। मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति के पहले अध्यक्ष के रूप में अजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। टॉप 5 संगठनों के अध्यक्ष। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस हेड्रोनोम हैं। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष गाय राइडर हैं। UNICEF संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अध्यक्ष हेनरीटा फॉर हैं। विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष पवन सुखदेव हैं। UN संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, YS जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश में शासन को काफी पारदर्शिता और प्रभावशील बनाने के कारण YS जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द अवार्ड सम्मानित किया गया है। टॉप को पुरस्कार। जावेद अख्तर को रिचर्ड डिकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से हेमंत कुमार को सम्मानित किया गया है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। एबेल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रुटोबर्ग को सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई। अमेजन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र चेन्नई में स्थापित करेगी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस संयंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पादों के क्षेत्र में भारत को वैश्विक मंच प्रदान करना है। अमेज़न के बारे में जानकारी। अमेज़न ई कॉमर्स कंपनी है।
अमेजोन की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। अमेजोन के मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेजोन के अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं। अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी हैं। भारत में पहली बार गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनाया गया है। कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। उत्तराखंड में पहला मास गार्डन बनाया गया है। पिथौरागढ़ में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भुवनेश्वर और राउरकेला में की जाएगी। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी, उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा राज्य के गवर्नर गणेशी लाल है। उड़ीसा राज्य के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर है। राजकीय पशु सांभर है। उड़ीसा राज्य के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेंगुर झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हरिकुंडा बांध उड़ीसा के महानदी में स्थित है। अब्दुल कलाम बहम द्वीप यह भी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नीलामी में बिकने वाला आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस नीलामी में बिकने वाले आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर कन्हैया सिंह। काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक डॉक्टर कन्हैया सिंह ने लिखी है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को लेखक डॉक्टर कन्हैया सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रितिका चोपड़ा। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 रितिका चोपड़ा ने जीता है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, रितिका चोपड़ा को यह पुरस्कार 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के कामकाज पर उनकी रिपोर्ट के लिए दिया गया है। टॉप पुरस्कार करंट अफेयर्स रिवीजन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से वीरेंद्र सिंह राठौर को सम्मानित किया गया है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से जनजाति मामलों के मंत्री को सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानववादी पुरस्कार से रवि गायकवाड को सम्मानित किया गया है। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क टू मिसाइल का परीक्षण करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत देश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क टू मिसाइल का परीक्षण करेगा। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क टू मिसाइल का परीक्षण शुरू करने जा रहा है। अस्त्र मार्क टू मिसाइल घातक युद्ध क्षमता से लैस होगी और इस मिसाइल की मारक क्षमता 160 किलोमीटर होगी। यह मिसाइल बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघे अपने टारगेट को पूरा करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 फरवरी। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फैंटेस्टी एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जिसे 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य
इसकी राजधानी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई। अरुणाचल प्रदेश इसका मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बी डी मिश्रा है। अरुणाचल प्रदेश के देश पड़ोसी देश भूटान चीन और म्यांमार है। अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश की देहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के नृत्य भुई छालो पासी इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ वर्चुअली बैठक की मेजबानी की है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस बैठक के दौरान सदस्य देश कोविड-19 संकट पर चर्चा करेंगे। सदस्य देश महामारी के संबंध में सर्वोच्च प्रथाओं का आदान प्रदान करेंगे। एस दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसके अध्यक्ष अमजद हुसैन हैं। इसके सदस्य देश 8 है, अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान भारत मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका है। टॉप 5 सम्मेलन देख लीजिए। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। G7 समिट 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम देश में होगा। फ्रांस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 सम्मेलन की मेजबानी की है। 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में देशों के रक्षा मंत्री के सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की GDP को संशोधित कर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10.2%। वैश्विक पूर्वानुमान करने वाली फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित करते हुए 8.8% के पिछले अनुमान की तुलना में 10.2% तक संशोधित किया है। GDP क्या है? इसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हुंडई मोटर कंपनी। टाइगर और XI इसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। टाइगर का फुल फॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंस ग्राउंड एक्सकर्सन रोबोट। हुंडई कंपनी ने टाइगर X1 के रूप में डब किए हुए एक ट्रांसफर जैसा रोबोट कार लॉन्च किया है जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1967 को हुई थी। हुंडई मोटो कंपनी का मुख्यालय सियोल में स्थित है। इसके संस्थापक चुंग यू शुंग है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हुंडई मोटो ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहाड़ी विलास। खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब पहाड़ी विलास ने जीता है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले गए खिलाड़ी पहाड़ी विलास ने पार्थव को हराकर सुपर लीग में खो खो चैंपियनशिप पर अपने नाम खिताब को अपने नाम कर लिया है। करेंट अफेयर्स रिविजन के लिए टॉप चैंपियनशिप खिताब देख लीजिए। विजेताओं के 10वीं अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ITBP ने जीती है। ITBP इसका फुल फॉर्म आइस हॉकी चैंपियनशिप। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत विजेता रहा है, इसने 11 पदक जीते हैं। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है। जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द
मंक अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया है। मेलबर्न में शतक के लिए अचिंत रहाणे को जॉनी मूलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 फरवरी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सामाजिक न्याय का अर्थ लिंग, आयु, धर्म, क्षमता तथा सांस्कृतिक की भावना को भूलकर समाज समान की स्थापना करना है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बहिष्कार, बेरोजगारी, असमानता, भेदभाव, गरीबी से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।